गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हिंदी पीरियड और हिंदी में हम क्या करेंगे आज? निबंध लेखन, जो हमने बहुत पहले किया था तो आप शायद भूल गए होंगे, तो आज मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ। तोता, तोता देखा है आपने कि नहीं देखा है? तोते पर हम एक निबंध लिखेंगे। तोता हरे कलर का, मतलब हरे रंग का होता है। तोता हरे रंग का होता है, होता है ना? इसे हम मिट्टू भी कहते हैं। तोते को हम क्या बोलते हैं? मिट्ठू। इसे हम मिट्ठू भी कहते हैं। इसकी चोंच लाल होती है। इसकी चोंच लाल होती है। और मिट्टू क्या खाता है? यह मिर्च खाता है। पास अंदर लिखेंगे हम, यह मिर्च खाता है। इसके गले में एक लाल कंठी होती है। यह राम राम बोलता है। बोलता है ना? राम राम। तोता हरे रंग का होता है। इसे हम मिट्टू भी कहते हैं। इसकी चोंच लाल होती है। यह मिर्च खाता है। इसके गले में एक लाल कंठी होती है। यह राम राम बोलता है। अब दूसरा मैं लिखवाऊंगी आपको कुत्ता। जैसे मेरे कुत्ते का नाम, इसका रंग काला और सफेद है। इसका रंग काला और सफेद है। इसके चार पैर हैं। कितने पैर होते हैं इसके? कुत्ते के कितने पैर हैं? इसके चार पैर हैं। यह दूध रोटी खाता है। यह दूध रोटी खाता है। यह हमारे घर की रखवाली करता है। मैं इसके साथ खेलता हूँ। लड़की है तो
खेलती हूँ। छोटे छोटे सेंटेंस लिखा है मैंने आपको। मेरे कुत्ते का नाम मोती है, इसका रंग काला और सफेद है, इसके चार पैर हैं, यह दूध रोटी खाता है, यह हमारे घर की रखवाली करता है, मैं इसके साथ खेलता हूँ। अब देखा आज हमने दो लिखे हैं, तोता और कुत्ता। तोता जिसके बारे में लिखा है हरे रंग का होता है, इसे हम मिट्टू भी कहते हैं, इसकी चोंच लाल होती है, यह मिर्च खाता है, इसके गले में एक लाल कट्ठी होती है, यह राम राम बोलता है। मेरे कुत्ते का नाम मोती है, इसका रंग काला और सफेद है, इसके चार पैर हैं, यह दूध रोटी खाता है, यह हमारे घर की रखवाली करता है, मैं इसके साथ खेलता। अब आपको होमवर्क है, आपको गाय और मोर पर पांच पांच वाक्य लिखिए। आपका क्या होमवर्क है? गाय और मोर पर पांच पांच वाक्य लिखिए। गाय भी लिखेंगे और मोर पर पांच वाक्य लिखेंगे। मोर रंग बिरंगा होता है, यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, यह बादलों को देखकर नाचने लगता है, इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं, यह बारिश के दिनों में हमें अधिक दिखाई देता है ना? और क्या, इसके पंख बड़े सुंदर होते हैं। और गाय पर, गाय एक पालतू जानवर है, गाय हमें दूध देती है, गाय कई रंगों की होती है, हम गाय की पूजा भी करते हैं, है ना? और गाय को भी लिख सकते हो, गाय के चार पैर होते हैं, गाय की लंबी पूंछ होती है। आप इस तरीके से गाय और मोर पर पांच पांच वाक्य लिखने हैं और लिखकर मुझे फोटो खींचकर भेजना है। आजकल आप काम नहीं कर रहे हैं, बहुत कम बच्चे वर्क करते हैं, बाकी लोग पढ़ाई नहीं करते। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे और फिर आप एग्जाम में क्या लिखोगे? एग्जाम में आएंगे ना ये सब, तो आपको याद करने हैं, याद करेंगे और लिख लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। और जो होमवर्क मैं आपको देती हूँ वो आपको करके और फोटो खींच कर भेजना है।